स्टूडेंट, स्वागत है आपका बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कॉरपोरेट पेरेंटिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज पढ़े थे, वहाँ पे हमने कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी भी पढ़ी थी, कॉरपोरेट स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव भी पढ़े थे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट करते हैं तो कॉरपोरेट पेरेंटिंग हमें जो है कैसे हेल्प करती है। तो कॉरपोरेट पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्रोल की हम बात करते हैं। जब हम कॉरपोरेट और पेरेंटिंग को अलग करें तो हमारे सामने दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है कॉरपोरेट और दूसरा आता है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग जो वर्ड है, जैसे हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स हमारे ऊपर क्या करते हैं, वो लोग कंट्रोल लगाते हैं। और उनका कंट्रोल लगाने का पर्पज़ क्या रहता है, उनका पर्पज़ ये रहता है कि जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट हैं, जैसा उन्होंने प्लान किया है वैसा ही हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो जैसा प्लान किया है वैसा इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे रिजल्ट सोचे थे वैसे रिजल्ट अचीव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ऐसे ही पेरेंट्स हमारे ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो वहाँ पे ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कॉरपोरेट की रहती है। कॉरपोरेट पेरेंटिंग के अंदर वो डिफरेंट कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हम देखें, द कॉरपोरेट पेरेंट्स रेफर टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट अबव दैट ऑफ बिजनेस यूनिट। जब हम कॉरपोरेट पेरेंटिंग के अंदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो बिजनेस लेवल से अब वो माना जाता है, तो हम कॉरपोरेट लेवल की बात कर रहे हैं। देयर फॉर विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद बायर एंड कॉम्पिटिटर्स, कि जब कॉरपोरेट पेरेंटिंग की जाती है तो वहाँ पे कोई इंटरेक्शन जो है डायरेक्ट नहीं किया जाता, वो किसी के थ्रू किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी किससे डील करती है, बोलो टू बी जर्नल से डील करती है। बिजनेस लेवल किससे डील करती है, जर्नल टू स्पेसिफिक। और जो फंक्शनल लेवल है किससे डील करती है, टू बी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टू बी जर्नल होके हम बात करेंगे, हम डिफरेंट कंट्रोल की बात करेंगे। तो सबसे पहले इन कंट्रोल को समझने से पहले कंट्रोल की मीनिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंट्रोल होता क्या है, जब हम छोटी क्लास के अंदर हम होते थे तो हम कंट्रोल के अंदर ये देखते थे कि कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हम उन दोनों को मेजर करेंगे, एक्चुअल को स्टैंडर्ड से मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे। और वहां हम देखेंगे कि कंपेयरिंग करके कि जो एक्चुअल रिजल्ट हैं वो स्टैंडर्ड से डेविएशन है तो डेविएशन डिडक्ट करेंगे हम। डिडक्शन यदि वहां पे डिडक्शन होता है कि डेविएशन फाइंड आउट होते हैं और डेविएशन कम है तो वहाँ पे कम कंट्रोल की ज़रूरत होगी, और वहाँ डेविएशन ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि कंट्रोल हमारी हेल्प करता है किसके अंदर, डेविएशन को फाइंड आउट करने पर, और उससे लर्निंग लेके आगे करेक्टिव एक्शन लेने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। और वही करेक्टिव एक्शन हमें आगे की अडेप्टेबिलिटी स्टेप्स जो हैं हमें बताते हैं। जैसा कि आपने देखा हो कि यदि हम एग्जांपल लें टाटा का, तो टाटा ने अपने प्रोडक्ट नैनो के लिए कस्टमर से पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो किस प्राइस पर देंगे नैनो का प्रोडक्ट, 1,00,000 की कार। जबकि उनका बाद में ये मानना था कि हमें सबसे सस्ती कार ना बोल के क्या बोलना था, सबके लिए कार, क्योंकि वहाँ कॉस्ट कंट्रोल का मैटर था। वहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल 1,00,000 से ऊपर कॉस्ट थी जो कि कस्टमर्स के लिए महंगी थी, तो वहाँ पर हम सबके लिए कार बोलते तो हमारा 1,00,000 रुपये में कार बनाने का जो स्टैंडर्ड था वो हमारा मेट हो जाता। जबकि हमने सबके लिए कार नहीं बोला था, हमने सबसे सस्ती कार बोला था, तो और वो उसको मेट भी कर पाए थे पर थोड़ी कॉस्ट क्या हुई थी, पहले से ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे हम कंट्रोल की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कंट्रोल आता है वो आता है आपका स्ट्रेटजी कंट्रोल। यहाँ पे स्ट्रेटजी कंट्रोल को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजिक कंट्रोल के अंदर ही सारे जो कंट्रोल हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रेटजिक प्लानिंग हम देख रहे हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल हम देख रहे हैं, ऐसे आपके और भी कंट्रोल होते हैं। जैसे हम देखें मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, ऑपरेशनल कंट्रोल होता है, तो ये सारे किसका पार्ट होते हैं, ये सारे आपके स्ट्रेटजिक का पार्ट होते हैं। आपको याद हो कॉर्पोरेट लेवल बड़ा लेवल होता है और बाकी जो लेवल रहते हैं वो छोटे लेवल होते हैं। जैसे कि हम देखें स्ट्रेटजिक कंट्रोल के अंदर यहाँ मेंशन भी है, अंडर दिस स्टाइल द कॉर्पोरेट पेरेंट्स लिवरेज इट्स रिसोर्सेज and competence to build value for its business. Example, a corporate could have a valuable brand and special skills. Corporate parent uses its parenting capability to seize opportunity for the growth. कि यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने जो टॉप लेवल ने जैसा प्लान किया है वैसा इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वही बात जो पेरेंट्स वाली बात थी वही कॉर्पोरेट
जो लेवल स्टाफ है वही देखता है कि जैसा प्लान किया था वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे रिजल्ट सोचे थे वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जो आपका स्ट्रेटजी कंट्रोल है वो फोकस करता है दो क्वेश्चन पे, टू क्वेश्चंस पे। पहला क्या है कि स्ट्रेटजी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान, कि स्ट्रेटजी जो हमने सोची थी वैसे ही क्या इम्प्लीमेंट हुई है, और जो रिजल्ट मिले हैं स्ट्रेटजी के, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेटजीज आर दोज इंटेंडेड, और जैसे रिजल्ट सोचे गए थे क्या वैसे ही रिजल्ट आए हैं। तो वो हमें स्ट्रेटजी कंट्रोल वहाँ पर क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमें देखें कि यदि हम स्ट्रेटजी कंट्रोल लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, हमें जो ग्रोथ चाहिए क्या वो हमें मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही है, उनको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि हम स्ट्रेटजी की बात करें, स्ट्रेटजीज़ के लेवल की यदि हम बात करें, तो वहाँ पर हम देखें स्ट्रेटजीज़ के कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल स्ट्रेटजी रहती है, वही सारे लेवल पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल लगाए जाते हैं, स्टॉक कंट्रोल लगाया जाता है, कैसे स्टॉक जो है सेट लिमिट्स के अंदर रहे, प्रोडक्शन कंट्रोल लगाया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है सेट प्रोग्राम पर रहे, क्वालिटी कंट्रोल लगाया जाता है कि क्वालिटी जो एग्रीड क्वालिटी लिमिट्स हैं उसके अंदर आए, उससे डाउन कैप जो है क्वालिटी नहीं जाए। कॉस्ट कंट्रोल लगाया जाता है कि हमारे एक्सपेंडिचर जो रहते हैं वो मेंटेन रहें, वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो, और ऐसे ही बजटरी कंट्रोल लगा के हमारी परफॉर्मेंस को बजट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखें मेन जो कंट्रोल है वो क्या है, स्ट्रेटजिक कंट्रोल है। अब इस कंट्रोल के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, तो फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग की यदि हम बात करें तो जो बिजनेस के अंदर जो यूनिट्स होती हैं वहाँ पे बिजनेस यूनिट्स के अंदर कॉर्पोरेशन लाना है, हमें कोऑर्डिनेशन लाना है, हमें सर्विसेज रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन करना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ हमें पहले प्री प्लानिंग करनी होगी। प्री प्लानिंग होने पर ही हम उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अंडर दिस स्टाइल द रोल ऑफ कॉर्पोरेट पेरेंट इज़ टू एनहेंस सिनर्जीज अक्रॉस द बिजनेस यूनिट, कि यहाँ पे हम जो हमारी अलग अलग SBUs हैं, अलग अलग जो अपनी सब एरिया हैं जहाँ पे हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, सेल सर्विस का बात का काम कर रहे हैं, तो उन सब का हमें क्या करना है, वहाँ कॉर्पोरेशन लाना है ताकि हम क्या एनहेंस कर सकें, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं एक और एक क्या होते हैं, 1+1 होते हैं 2, पर लेकिन जब हम जुड़ते हैं किसी के साथ तो वहाँ हो सकता है कि बेनिफिट मोर देन 2 आपको मिले। कभी हम एक और एक 12 भी बोलते तो वो आपका स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंदर इस तरीके की प्लानिंग की जाती है कि हम सिनर्जी के बेनिफिट, हम कॉरपोरेशन के बेनिफिट हम उनको क्या करें, अचीव कर सकें। फिर आता है आपका फाइनेंशियल कंट्रोल। जैसा कि नेम से क्लियर है कि इस कंट्रोल के अंदर जो मॉनिटर किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, बोलो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे किया जाएगा। आपको याद हो हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर हमने बोला था कि जो पोर्टफोलियो एनालिसिस को लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस समझते हैं वो अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग रहता है और पोर्टफोलियो एनालिसिस अलग रहता है, क्योंकि पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनसे होने वाले रेवेन्यूज़ के बारे में देखते हैं। हो सकता है कि किसी कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू हो रहा हो तो वहाँ पे कंपनी उसका प्राइस जो है इंक्रीज़ कर सकती है। हो सकता है कोई दूसरा प्रोडक्ट है वहाँ पे कंपनी को कम रेवेन्यू हो रहा हो तो वहाँ पे सेल बढ़ाने के लिए प्राइस को डिक्रीज़ कर सकती है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर अंडर स्टाइल द रोल ऑफ कॉर्पोरेट पेरेंट इज़ मोनिटर एंड इवेल्युएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ रेस्पेक्टिव बिजनेस यूनिट। तो हम इसके अंदर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके अंदर हम आगे के लिए ये देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमें किस तरीके की एक्टिविटीज़ लेनी हैं जो हमें आगे क्या करेंगी, हेल्प करेंगी किसको कंट्रोल करने के लिए, कि जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो एज़ पर स्टैंडर्ड जैसा हमने प्लान किया था, एज़ पर प्लान है कि नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन एज़ पर प्लान है कि नहीं है, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेटजीज इंटेंडेड हैं कि नहीं, जो हमने रिजल्ट सोचे थे वैसे रिजल्ट जो है स्ट्रेटजी से आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से इस लेक्चर के अंदर हमने कॉर्पोरेट पेरेंटिंग